भगवान जो है रसातल में डूबी पृथ्वी को ले जाने लगे, तो उस समय जो उनके लिए रोकने के लिए राक्षस आया था, हिरण राक्ष आया था। वो हिरण राक्ष कौन था? उन्होंने प्रभु को क्यों रोका? तो उस समय जो है सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हम तुम्हें इस बात को भी बड़े विस्तार से बताते हैं कि कश्यप ऋषि की जो है 13 पत्नियां थीं। भागवत पुराण के अनुसार और मार्कंडेय पुराण के अनुसार उनकी 13 पत्नियां थीं, लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार उनकी 9 पत्नियां थीं। अदिति, दिति, दनु, कृष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोध, वशा, तमा, सुरवि, सुरसा, तिमी, विंता, कद्रु, पतंगी, याग्नि इत्यादि, ये इनकी पत्नियां थीं। सभी के संतानें थीं, लेकिन दिति की कोई संतान नहीं थी। तो दिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि मुझे भी संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। ये आपका पतिव्रत धर्म है कि आप मेरी इच्छाओं का मान रखें। सायंकाल की बेला थी, संध्या का समय था। यहाँ कश्यप ऋषि जो है तपस्या में बैठे हुए थे, तो उन्होंने दिति को समझाया कि देवी ये सायंकाल की बेला है, संध्या की बेला है, और इस समय जो है संतान प्राप्ति का ये उत्तम समय नहीं है। लेकिन दिति के बार बार जो है हट करने पर, मानने पर जो है एक शब्द को सुनकर कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, सभी पत्नियों को आपने ये सुख प्रदान किया है, और इस सुख की कामना मुझे भी है कि मुझे भी संतान हो, और आपको अपना धर्म निभाते हुए जो है मुझे पुत्र सुख की कामना देनी ही होगी। अंत में जब क्रोध में आकर उन्होंने जो है दिति की इच्छा को पूर्ण किया, लेकिन क्रोध में आकर उन्हें श्राप भी दिया कि जाओ, तुमने प्रभु की संध्या बेला का उल्लंघन करते हुए पुत्र सुख की कामना की है, तो यही दो पुत्र जो हैं बहुत बड़े राक्षस होंगे, दैत्यवर्ती के होंगे, जो बहुत ही बलवान, दुराचारी, अत्याचारी होंगे। दिति ने क्षमा याचना मांगी। क्षमा याचना मांग कर जो है स्वामी के चरणों में जा गिरी। तब कश्यप जी कहते हैं कि देखो देवी, कहे हुए वचन तो लौटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, तुम्हारे पुत्र तो दैत्य होंगे, लेकिन आगे चलकर तुम्हारा पौत्र जो है, पोता जो है, वो भगवान का बड़ा भक्त होगा, और भगवान का भक्त होने के साथ साथ भगवान के साथ साथ उसका भी नाम गुणगान आगे चलकर लिया जाएगा, इतना वरदान देते हैं। तब उस समय जो है उनके मन में एक आशंका आई कि इनका जन्म कैसे हुआ, जन्म हुआ फिर कैसे क्या हुआ, आगे की बात को भी बताइए ना महाराज। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब दिति को शंका हुई कि देवताओं को मेरे पुत्रों से भय ना हो, तो 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को गर्भ में रखा, और अंत में जब देवता चारों दिशाओं में अंधकार को देखते हैं, तो प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, दिति माता ने अपनी संतानों को 100 वर्षों तक जो है अपने गर्भ में रखा है, जिस कारण सारे स्थान पर अंधकार छाया हुआ है,
और हे प्रभु इस अंधकार को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए और ऐसा क्यों हो रहा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय की बात है, मेरे मानसिक पुत्र जो मेरे मन से प्रकट हुए हैं, सनंदन सनकादि ऋषिवर जो हैं, एक दिन प्रभु के दर्शन की अभिलाषा लेकर प्रभु दर्शन के लिए जो है बैकुंठ जाते हैं। और बैकुंठ जाने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए जो है बड़े उत्साह से व्रत करते हुए प्रभु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचते हैं। लेकिन बैकुंठ में जो है सात द्वार हैं और इन सात द्वारों को पार करना, इन सात द्वारों को पार करना भी बड़ा असंभव कार्य है, क्योंकि इसमें भी बड़ी कठिनाइयां हैं। इन सात द्वारों को अगर जो पार कर लेता है उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। तो महाराज ये सात द्वार है कौन कौन से? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये सात द्वार जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और आराधना है, धारणा है। ये सात द्वार जो है अपने जीवन को नित्य नियमों द्वारा जो है परिभाषित करके जो व्यक्ति बैकुंठ को जाता है उन्हें प्रभु के दर्शन की होती है प्राप्ति। इन सात द्वारों को पार करना संभव है, लेकिन आज शंकादि ऋषिवर प्रभु दर्शन की इच्छा लेकर आए हुए थे। बैकुंठ में जब द्वार को पार करने लगे तो उस समय उनके द्वारपाल जय विजय नामक द्वारपालों ने उनका रास्ता रोक दिया, क्योंकि व्यक्ति को एक पदवी का अभिमान होता है, उस पदवी के द्वारा ज्यादा अभिमान अधिक बढ़ जाता है ना, जब तो सामने आपके कौन खड़ा है आप ये भूल जाते हैं। आज वही कार्य जो है जय विजय ने किया। जब मेरे पुत्र दर्शन की इच्छा लेकर पहुंचे तो जय विजय ने उनको रोक दिया, दर्शन देने के लिए वहीं खड़े रहने को कह दिया कि तुम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते हो, प्रभु इस समय आराम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तब उन्हें क्रोध आ गया और जब क्रोध आया भगवान ने उनकी मति फेर ली और मति फेर कर जो है आज जय विजय को श्राप दिया कि जाओ जहां लोभ, क्रोध, मोह, माया, दुष्ट वृत्ति वाले लोग जहां रहते हो वहां जाकर तुम्हारा वास हो जाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज तुम बैकुंठ को त्याग करके जो है पृथ्वी लोग पर वास करोगे और राक्षस की वृत्ति में जो है राक्षस की योनि में जन्मोगे।